लाइफ को कहो बाय बाय, म्यूजिक से लाइफ होगी हाई फाई, मस्ती होगी फुल ऑन टन टनाटन, म्यूजिक मस्ती विद राज महाजन। नमस्कार आदाब, मैं क्या सत्यकाल से गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जी हाँ, आज की शाम आपके नाम में हूँ आपका दोस्त और शो का होस्ट राज महाजन, लेके आया हूँ कुछ नगमे बहार के, तराने प्यार के, खास बिल्कुल खास आपके लिए, ओनली ऑन म्यूजिक मस्ती विद राज महाजन। दोस्तों, आज जो कलाकार फनकार हमारे साथ में हैं, इनके बारे में इतना कहना चाहूंगा कि ये वन मैन आर्मी है। सिंगिंग, एक्टिंग, स्टेज परफॉर्मेंस, हर चीज में नंबर वन, A1 और अव्वल। 28 फरवरी को रोहतक के एक छोटे से गांव मलिकपुर में जन्मे, स्वागत करते हैं गजेंद्र फोगाट जी का। म्यूजिक मस्ती राज महाजन प्रोग्राम के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ, आदाब करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ। गजेंद्र फोगाट, आप सभी को प्यार से नमस्कार। गजेंद्र जी, जी आप बहुत ही मजे हुए एक्टर हैं, सिंगर हैं, परफॉर्मर हैं, और हमने सुना है कि आप अपने शोज की और फिल्मों की स्क्रिप्टिंग खुद ही करते हैं, और आपने कामयाबी के इस दौर को बहुत लंबे समय से देखा है, और हमने सुना है कि आपका एक गाना पीछे किसी मूवी में आया है, गुड्डू रंगीला मूवी के अंदर माता का ईमेल आया है, तो आपने कैसे शुरुआत करी इस सफर की, और आज कहाँ पर अपने आप को पाते हैं, और कितना संतुष्ट हैं आप आज अपने आप से? हरियाणा में जितने भी आर्टिस्ट अभी पैदा हो रहे हैं वो सभी एक्सीडेंटली कलाकारी में आ रहे हैं। मेरा भी पदार्पण इसी एक्सीडेंटल तौर से ही हुआ। स्कूल कॉलेजेस में एनुअल फंक्शन और जो फेस्टिवल के जरिए मुझे अपनी कला को पहचानने का मौका मिला। कुछ आपसे गुणी लोग थे, कुछ दर्शकों जैसे महान लोग थे जिन्होंने कहा कि हाँ, यू कैन डू समथिंग, तुम कुछ कर दो। सो उनके सहारे से मैं थोड़ा सा उठा और मंच की तरफ गया। तो अभी मैंने गाना भी रिकॉर्ड किया है कि बालक पढ़ते बैंस बजा के गाने गाया करता मैं, तो उसमें मैंने यही लिखा कि लोगा नसर आया मेरा खुल के खूब गाना, मैं गायक बना दिया कुछ कुछ भी हो गया ना। तो ऑब्वियसली दर्शकगण और जो आसपास के लोग होते वो एनकरेज करते, तब जाए कहीं एक आर्टिस्ट का जन्म। रही बात कामयाबी की, तो मैं ये मानता कि बहुत छोटे से कलाकार से लेके बहुत महान कलाकार तक, हर कलाकार अपनी सारी जिंदगी में कभी सांस्कृतिक कलात्मक रूप से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर की जो दौड़ है, अंदर की जो लड़ाई है, क्रिएट समथिंग न्यू, वो चलती रहती है, वो आमरण है, वो मरने तक जी, वो कला यात्रा है। तो कला यात्रा में कला की जो संतुष्टि है वो कभी हो नहीं सकती। जीवन में जब हम अपने हिसाब से काम करते हैं, जब हम अपनी पसंद का काम करते हैं, तो एक अजीब सी खुशी है जो सब लोगों के चेहरे पे नहीं दिखती। मैं कई बार बोलता भी हूँ मन से कि 50 लाख के बेड पे 50 पैसे की अंतरिक्ष लेके जिन लोगों को नींद आ रही है, पूरी दुनिया के सबसे अभागे लोग। जो आदमी अपने मन का काम करता है वो सबसे सुखी इंसान। इस दुनिया में दो ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं, एक भूख और एक नींद, और जब भी आदमी अपने मन का काम नहीं कर रहा होता है तो उसकी दो चीज़ें उठ सकती है। तो ये दोनों चीज़ें आ रही हैं तो मुझे लग रहा है मैं बहुत सुखी हूँ। तो सवाल मेरा यह कि आपने कैरियर की शुरुआत कैसे की? राजू, कैरियर की शुरुआत थी कॉलेज लाइफ से। गाते गाते कब किसी ने ये न्योता दे दिया कि भाई एल्बम रिकॉर्ड कर। अच्छा अच्छा, और कॉलेज में आप गाते रहे होंगे ना? जी बिल्कुल, जो फेस्ट वगैरह होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो आई बिकेम देयर एज बेस्ट सिंगर, बेस्ट एक्टर इन कॉलेज, ये फेस्टिवल एंड अदर। तो वहाँ चलता रहा, किसी ने पहचाना तो उन्होंने एक एल्बम रिकॉर्ड। अच्छा अच्छा, ये उसके बाद ये सफर निकल चला। जो एल्बम रिकॉर्ड हुई, मैंने अपनी आवाज़ सुनी, बहुत सारी कमियां थी अपनी है, बट ये जरूर लगा कि यार ये काम तो हो सकता है। फिर उसके बाद एमए में दाखिला लिया। एमए में भी, एमए तक आते आते मैं 20-30 एल्बम रिकॉर्ड कर चुका। अरे जी, और थिएटर साथ साथ चल ही रहा था। तो गुरुदास साहब मेरे गुरु हैं, उनसे सीखा भी रहा, उनसे मिलने का मौका मिलता रहा, और एक्टिंग में कमल तिवारी जी हमारे गोड फादर हैं। तो थिएटर और सिंगिंग साथ साथ चलती रही, और कब इस प्रोफेशन में पैर आ गया पता नहीं, शौकिया गाते गाते लोग पैसे देने लगे, इनकार हुआ नहीं, मुझे लगा शायद ये रिवायत होगी, और ये रिवायत कब जरूरत में बदल गई, जरूरत कब धंधे में तब्दील हुई, कुछ पता नहीं। और आप प्रोफेशनल सिंगर बन गए। बन गए। अच्छा, एक चीज़ है कि हरियाणा के अंदर
म्यूजिक को उतना अभी तवज्जो नहीं दिया जाता था अभी तक, अब तो मैं देख रहा हूँ कि काफी तवज्जो मिल रहा है। बॉलीवुड हरियाणा में 1200 करोड़ रुपए का बजट है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो खैर अब जो आपने पीरियड देखा होगा उस समय म्यूजिक को लेके बहुत आपको मशक्कत करनी पड़ी होगी, क्योंकि उतना को उतना अच्छा शायद नहीं मानते हैं संगीत को हरियाणा के अंदर। 1994-95 के साल में जब मैंने पोत लिखना और गाना शुरू किया, मेरा पहला गाना था जित सिर पे बोरला ढूंगे तो दमन दूध देगा खाना, ईसा एंडी मारा हरियाणा। क्या हुआ? बड़ा प्रचलित हुआ था वो गाना, जित सिर पे बोर, जित सिर पे खंडवा धोती कुर्ता पहरे सुथरा भाना, ईसा एंडी मारा हरियाणा। सो ये गाना सुनेंगे अभी हम आपसे, है ना? हाँ जी बिल्कुल अभी सुनाऊंगा। तो जब ये गाना शुरू किया तब लोग मेरा मजाक उड़ाते, क्योंकि घड़ियों पेंडू का बहुत क्रेज था। उन्होंने कहा ये क्या है, मैं गाता था थोड़ा पैरोडी करके इसको पॉप में, तो बड़ा लोगों को अजीब लगता था, बहुत डिस्करेज भी किया उन्होंने कि मंच पे इस तरह गाना तो तेरे लिए ठीक है, क्योंकि जब भी कोई आदमी नई चीज करता है तो समाज की तरफ से सबसे पहले रिएक्शन आता है और मैक्सिमम भी नेगेटिव रिएक्शन नेगेटिव आता है। सो उस टाइम क्योंकि पॉप का कोई मतलब नहीं था, बाबा सहगल उस समय मुंबई में बड़े पॉप तो चलता था उस समय, लेकिन पॉप नहीं था। और मैंने जो अपनी शुरुआत की वो एज ए पॉप सिंगर, मुझे लगा कि अगर मैं हरियाणा में अपनी पहचान बना सकूं तो कुछ अलग करके अलग करना पड़ेगा, जिस हम क्रांति बोलते हैं। बिल्कुल। तो पॉप सिंगर बहुत सारे थे, उनकी लाइन में खड़े होने से बेहतर मैंने सुना कुछ साल के स्ट्रगल अपने आगे खड़ा करना सही है। तो आई कैन इन दिस इंडस्ट्री अगर पॉप सिंगर है तो वो गाना हमने गाया। तो वो आपने मतलब मेरा मकसद ये है कि आपको क्या कुछ मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि संगीत वहाँ पे लोग पसंद नहीं करते थे। हाँ। फैमिली की तरफ से, समाज की तरफ से। मेरे पापा इंजीनियर थे। हाँ। और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं, वो कहते भी थे कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इतना निकम्मा बनेगा। मेरी माँ भी कहती, मेरी माँ तो अभी भी कहती है कि बेटा ढंग से नौकरी कर ले तो कम से कम रात रात भर गाने नहीं गाना पड़ेगा। तो बट मैंने सोचा कि इट इज बेटर टू बी ए गुड सिंगर और गुड परफॉर्मर रादर देन ए बैड इंजीनियर और बैड डॉक्टर। राइट। तो पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, बट मैंने मुझे नहीं पसंद था, क्योंकि मुझे हमेशा से ही हमारी भारत की शिक्षा पद्धति जो लॉर्ड मैकाले ने दी है भारत सरकार की, वो मुझे अजीब सी लगती है। ए फॉर एप्पल बी फॉर बैन, आज तक ए फॉर आजाद और बी फॉर भगत सिंह कभी नहीं पढ़ाया, कभी नहीं पढ़ाया। सो हम अपने अल्फाबेट को ही नहीं चेंज कर पाए। जमाना बच्चे चांद पे जाते थे, हम अब तक रामलीला देख रहे हैं, हमारी कहानी में अभी वही पात्र हैं, हमने नई कहानियां नहीं गढ़ी, नई कहानी नया इतिहास कहा गया। सो क्योंकि हमारे भारतीय जो परंपरा है, प्राचीन पद्धति है, वो बहुत साल पुरानी है, तो हम इतिहास पे बहुत, पास्ट पे बहुत डिपेंड रहते, तो मुझे अपनी पढ़ाई में कभी मजा नहीं आया। एंड आई वॉज ए वेरी मीडियोकर एंड फेल्योर स्टूडेंट इन माई स्कूलिंग, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था मेरी पढ़ाई को लेकर। तो मैंने डिसाइड किया कि अभी कुछ भी हो पढ़ाई तो नहीं करेंगे, पढ़ाई में हाँ कुछ भी हो, हालांकि मैंने मास्टर डिग्री किया, पीजी डिप्लोमा, बट वो सब मैंने सिर्फ इसलिए किया कि 1% अगर दुर्भाग्यवश मैं ऐसे कलाकार नहीं एस्टेब्लिश हो पाया तो रोटी के लिए मैं कुछ ना कुछ कर लूँ, इसलिए पढ़ा मैं सिर्फ एक फ्यूचर इनसिक्योरिटी के लिए। बट कभी मैं इसलिए नहीं पढ़ पाया कि पढ़ाई में मेरी रुचि थी, क्योंकि मुझे पढ़ाई कभी रुचिकर लगी ही नहीं, और मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई रुचिकर है ही नहीं, होती ही नहीं। इंटरेस्टिंग ही बात, असल में हम जो चाहते हैं हमको अगर वो इंटरेस्टिंग रूप में मिल जाए, नहीं मिल पाता है तो हम नहीं कर पाते। ये क्या बात की आपने, पसंद ही नहीं कोई चीज तो वो दिल में कहते हैं, सबसे पहले तो आप बिल्कुल सही बात है, जो पसंद नहीं है दिल में कैसे उतरेगी वाली। जी बिल्कुल। तो पढ़ाई में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा और स्कूल में मास्टरों के डंडे खाते रहे, कॉलेज में लेक्चरों की गालियां खाते रहे, और इस तरह से स्कूलिंग और कॉलेज मेरा पास। तो दोस्तों हमने जाना कि किस प्रकार गजेंद्र फोगाट ने अपने कैरियर की शुरुआत की, आइए सुनते हैं एक मीठा सा गाना और उसके बाद लौट कर आएंगे गजेंद्र जी से सुनेंगे लाइव गाना और उसके बाद और करेंगे मीठी मीठी नई नई बातें गजेंद्र जी के साथ।
म्यूजिक मस्ती विद राज महाजन के सुथरे बेड़े छेल गबरू लिया हाथ में सटा बजे चौरासी और घुंगरू उठे से झरनाटा और दूध बेलो में रोटी पोवे घर की बड़ी बडेरी और हरियाणा के मर्द सुरमा हो से वीर कमेरी हो जित गंठा रोटी खा सारा दिन खेत में करे कमाना पिज़ा इंडी मारा हरियाणा जित शेर पे बोरला ढूंगे पे दामन दूध दही का खाना ईसा एंडी मारा हरियाणा सामन के में तीज रंगीली झूले कोई झूलावे नई बोहड़िया झूलन चाली वा झोटे देन बुलावे फागण के में होली आवे अगले दिन हद हो जा कोई भेवे कोई मारे कोलड़े पिटन की जद हो जा जित पिटेगा गाबरू गाम के सारे फिर भी नहीं उलाना जितना ना बालक कवे पिताजी तुल्या दे फौजी बाणा ईसा एंडी मारा हरियाणा। क्या बात है जी, इस तरह से हरियाणा की स्तुति से मेरी शुरू। तो ये था आपका हरियाणा पहला गाना मैंने जो ये लिखा और गाया और उसके बाद फिर धीरे धीरे क्योंकि कुछ लोगों से संबल मिला और फिर पॉप का लेख लिया और गायन किया। बिल्कुल शुरू हो गया। बिल्कुल अच्छा ठीक भाई, आप किस्मत में कितना विश्वास रखते हैं? 100% जी बिल्कुल। कैसे? देखिए मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे वाकयात देखे हैं जब एक बहुत मेहनत करने वाला व्यक्ति भी एक सीढ़ी नहीं चढ़ता है और उसके दोनों पैर नहीं है लेकिन उसने परमात्मा पर भरोसा रखा और वो शिखर पे चला। तो किस्मत बहुत, और खासकर हम लोगों की फील्ड कलाकारों की फील्ड में हरियाणा में बोलते भी है, पहला जादू रूप है, दूसरा जादू भाग, तीसरा जादू पैसा है, चौथा जादू राग। राग को चौथा जादू मान, पहला रूप और उसके बाद भाग्य बहुत बहुत महत्वपूर्ण। अच्छा जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि आपने कितनी उम्र में गाना शुरू कर दिया था? जब मैं 12th में था, वैसे गा मैं बचपन से ही रहा हूँ, स्कूलिंग में भी गा रहा था, बट जिस तरह से मंच फेस करना और प्रोफेशनली शुरू करना वो 1994 की बात है जब मैं 17 साल 17 साल के थे। मैं कल से उस समय 12वीं क्लास में शायद रहे होंगे, है ना? बिल्कुल। अच्छा कभी ऐसा भी हुआ कि आप लोग आप गाना गा रहे हैं और आपके पीछे आगे पीछे लड़कियां वड़कियां घूम रही हैं, ऐसा कुछ हुआ? दरअसल शुरू में तो गाना लड़कियों के लिए शुरू किया था लेकिन बाद में पता लगा कि गाने में बहुत मेहनत कर रही हो, लड़कियां भी कभी नहीं घूम रही, लड़कियां भी नहीं, इस मामले में आप भागा ही रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। आपने इतनी कम उम्र में गाना शुरू कर दिया था, इसकी कोई खास वजह? बेसिकली मेरी जो बड़ी बहन है वो बहुत अच्छी सिंगर है और वो उन्होंने कभी प्रोफेशनल नहीं गाया लेकिन वो गाना उसकी रग रग में बसा। मेरी बड़ी बहन है, वो टीचर है, सो वो गाती रहती थी। अच्छा अच्छा जी। और मैं और वो मिलके बड़े हम छोटे से तब गाते थे कि सुन 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 मेरे नन्ने सुन 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 मेरी मुन्नी सुन। आप उसमें गाना क्या करते थे आप लोग? ये गाते थे हम प्यार गंगा मैया देश में एक गाने और क्या करते। अच्छा वो आप वही करते थे? अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर वो मुझे बताते कि ऐसे नहीं ऐसे गा ऐसे नहीं ऐसे गा, धीरे धीरे करके मैं फर्स्ट किसी बात भाई। तो कह सकते हैं आपकी प्रेरणा मेरी और पहली सपोर्ट आपकी और पहली गुरु जैसे हम कह सकते हैं वो आपकी बहन है जी। तो चलिए बहुत 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 नमन है आपकी बहन जी को जिन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया है। अच्छा अब मैं जानना चाहूँगा उस गाने के बारे में जिस गाने ने आपको हर दिल अजीज बना दिया, मतलब जिस ऐसा गाना जिसने आपको एकदम से सबके सामने ला के खड़ा कर दिया। वो मेरी एल्बम आई पानी अच्छा था। अच्छा तो ये आज से 6-7 साल पहले की बात है। सो जब मैं मुंबई से आया वापस सन 2001 में पहला रियलिटी शो था इंडिया का तो उसको विन किया था मैंने, संकेत पांडे एंकर करते थे, सुपरस्टार नाम था, डीडी मेट्रो का। अच्छा टाइम टाइम पे उसमें जब वापस आया तो हरियाणा में कहीं ना कहीं एल्बम्स का दौर शुरू होता था तो बड़ा हल्का होता, 1000 में से एक एल्बम पॉप भी निकल जाता। सो मैंने काम शुरू किया उस पे और एक एल्बम हमने निकाली पानी अच्छा का। सो दैट वाज अ सैड सॉन्ग, उसमें दो गाने बड़े प्रसिद्ध थे, नंबर एक पानी अच्छा का और दूसरा दाता का। और ये वो दौर था जब हमने पॉप अच्छी तरह से एस्टेब्लिश किया, उसका वीडियो भी बनाया और प्रचार भी बहुत अच्छे से था। अच्छा तो वो जो गाना था सैड सॉन्ग पानी अच्छा वो ना केवल हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश राजस्थान दिल्ली बल्कि मुंबई तक पहुंचा उसकी धमाल।
उस गाने को बहुत अप्रिशिएट किया, आज भी YouTube पर उसको बहुत लाइक करते हैं लोग। अच्छा जी, तो फोगाट जी आपका वही वाला गाना जो पानी आख्या का है, अगर सुनने को मिल जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा। मैं सुनाता हूँ, मैं सुनाता हूँ, उससे पहले शेर सुना के फिर माहौल बनाता हूँ। अपनी तन्हाई को, अपनी तन्हाई को पलकों में भिगो लूं पहले, फिर गजल तुझ पे लिखूंगा बैठ कर रोलू पहले। क्या बात है जी, बैठ कर रोलू पहले। धोखे दस्तकों ने दिए हैं इतने, वो भी आ जाए तो दरवाजा ना खोलू पहले। क्या बात है जी, क्या बहुत बढ़िया। पानी अच्छा का बिन बात तो आया ना, यो पानी अच्छा का बिन बात तो आया ना, मेरी कुछ तो लग गई थी, मेरी कुछ तो लग गई थी, जो गया भुलाया ना, यो पानी अच्छा का बिन बात तो आया ना। क्या बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया गाना गाया आपके चाहने वाले ने। मुझे कुछ लिख के भेजा है आपके बारे में कि गुमनाम गलियों से निकला एक सितारा जी, बचपन से बना संगीत जिसका सहारा जी, सच्ची लगन मेहनत ने उसे निखार दिया जी, धन्यवाद माता के ईमेल का जिसने गजेंद्र फोगाट से मिला दिया। क्या बात है, माता का ईमेल गाना आपको बहुत पॉपुलर है और जिसको लिखा है सुभाष कपूर ने जी, बिल्कुल सुभाष कपूर। फिल्म का नाम है गुड्डू रंगीला, रंगीला फिल्म का, और फिल्म में एक्ट किया है अर्षद वारसी ने, अमित शाह, बहुत अच्छी फिल्म रही। मुझे आशा है काफी दर्शकों ने देखी भी होगी, और महिलाओं की जो अभी स्थिति है उसके ऊपर बहुत बड़ा कथा। अच्छा जी जी, और माता का ईमेल जो गाना था वो बहुत ही पैपी सॉन्ग था इसमें, तो एज लाइक आइटम नंबर था इस फिल्म का। अर्षद वारसी और अमित शाह दोनों गुड्डू और रंगीला कलाकार होते जो छोटे मोटे जागरण टोकियां करके और नए तरीके के गाने गा के टाइम पास करते थे। सो ये गाना उन्होंने मुझे दिया, सुभाष कपूर सर ने लिखा इस गाने को, जिन्होंने जो भी एल जी संजय ओबामा बहुत फेमस राइटर और डायरेक्टर है वो, उन्होंने गुड्डू रंगीला लिखी। तो अच्छा दिस वाज इज फर्स्ट, और उन्होंने एक बार तो बोला कि ये मेरा पहला और आखिरी गीत है। मैंने कहा सर प्लीज ऐसा मत करना, आपने पहला गीत मुझे दिया, हिट हुआ जी, मेरी रोजी रोटी चल पड़ी, आप लिखते रहो। तो लोगों को बहुत पसंद आया, और जब ये लॉन्च हुआ तो इसके ट्रेलर के दो दिन में 1.5 लाख भी हो गए। अरे वाह, बहुत अच्छी बात। हमें वी केम टू नो अबाउट इसकी शायद ये गीत जो चलने वाला है, चलने वाला, और इस समय इसके नाम एक और रिकॉर्ड है इंडिया के सबसे ज्यादा डब स्मैश इस गीत के। अच्छा अच्छा जी, आप यूट्यूब पर डब स्मैश देख सकते हो, सबसे ज्यादा डब स्मैश इस गीत का, इस गीत का हुआ जी। ठीक है, ये तो गाने का फीडबैक रहा जी। इस मूवी का जो, इस मूवी की जो टीम है जी, जिसमें अर्षद वारसी हैं, लेखक सुभाष कपूर जी हैं, अमित शाह हैं, अमित शाह हैं, और आपके जो इसमें को सिंगर या कोई एक्टर जो रहे होंगे जी अंदर, वो वक्त एक्सपीरियंस मुंबई के अंदर जी, क्योंकि अभी तक आप हरियाणा के अंदर थे, शायद मुंबई में आपका ये पहला एक्सपीरियंस था। उससे पहले मैं मुंबई गया सन 2000 में, वो एक रियलिटी शो था, महालक्ष्मी में शूट होता था, और देट वॉज फर्स्ट रियलिटी शो ऑफ इंडिया, संजीव पांडे एंकर करता था। तो वो रियलिटी शो हो गया, तो मूवी एक्सपीरियंस आपका पहली बार रहा ना, पहला कमर्शियल सिंगिंग जो प्लेबैक सिंगिंग है ये पहला एक्सपीरियंस था आपका, तो टीम के साथ में ये अनुभव या एक्सपीरियंस कैसा रहा? सबसे पहला मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो रिसीविंग का रहा, वहाँ पे आर्टिस्ट को रिसीव ही ऐसे किया जाता है जैसे किसी दूसरे देश का राजा आया। अच्छा, वो लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, एंड हाँ एक बात है कि वो लोग काम को लेकर बहुत पर्टिकुलर है, वो टारगेटेड लोग हैं, कोई भी आर्टिस्ट किसी भी काम से आ रहा है उसको पूरा सम्मान मिलेगा। अगर कोई टाइम पास कर रहा है या फिर फिजूल एक्टिंग या टाइम कुछ उनका खोटी कर रहा है तो वो नहीं सहन कर। सो अर्षद भाई बहुत सॉफ्ट है, और अमित साथ बड़े शरारती हैं, आपने देखा होगा उन्हें बिग बॉस 1 में भी उन्होंने बहुत शरारती की, कहीं पहुंचे नहीं। तो अमित वॉज वेरी एनर्जेटिक, हर आदमी के साथ मजाक करना, प्यार से रखना, केयर सबसे बड़ी बात है कि अमित भाई केयरिंग हो। इवन मैं, मेरा एक दिन क्योंकि पेट ढीला था वहाँ, तबीयत ठीक नहीं थी, तो अर्षद भाई ने मुझे कहा कि मारिया, मारिया उनकी वाइफ का नाम है, बहुत फेमस वीजे भी रही है,
उन्होंने कहा कि मारिया ने खाना बनाया है तुम वो खाना खाओ। सो उन्होंने मुझे अपने घर का बना हुआ खाना मंगवाया कि तुम्हारी तबीयत खराब है तो ये खाना खाओ, हम बाहर का खाना। अरे वाह कितनी बढ़िया बात है। और सुभाष सर तो मेरे को अपने बिल्कुल मेरे को क्या पूरी टीम को अपने बच्चों की तरह। फिल्म में एक गाना है सुनिया सुनिया अरिजीत ने गाया है, तो उस गाने की शूटिंग के दौरान अमित का पैर फिस गया और उनकी टांग थी। तो सुभाष सर ने ये नहीं कि भाई चलो अमित के बिना जो भी शूट रहता है वो कर ले, उन्होंने पूरी शूटिंग को क्लोज की। डेढ़ महीने तक प्लास्टर जब तक रहा अमित सारी शूटिंग स्टडी रही। जब उनका पैर ठीक हो तभी सारा शूट शुरू। तो ये उनसे बहुत एथिक्स है कि कलाकार को बहुत प्यार सम्मान मिलना चाहिए, प्यार मिलना चाहिए, वो मिलता है। दोस्तों ये थी कुछ और बातें गजेंद्र फोगाट के साथ में। चलिए सुनते हैं एक और मीठा सा प्यारा सा गाना और दोबारा मिलते हैं उस गाने के ब्रेक के बाद। गजेंद्र जी, सफलता के इस मुकाम पर आकर क्या महसूस करते हैं? मिस करता हूँ बहुत कुछ, महसूस बाद में होता है, पहले मिस करता हूँ। अपने पापा को मिस करता हूँ क्योंकि मुझे कभी भी ऐसे सिंगर और एक्टर देखना उनका सपना नहीं है। वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ, इसलिए मैंने प्लस टू मेडिकल साइंस से किया। बट आई वॉज ए फेल्योर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया पहले कि मैं पढ़ाई को कभी पचा नहीं पाया। और पापा का सपना ये नहीं था जो मैं बन गया। बट मेरे लिए एक मोमेंट बहुत स्पेशल रहा कि माई फादर वॉज सफरिंग विद कैंसर। सो जब उनके लास्ट डेज थे, उनकी डेथ से एक हफ्ता पहले उन्होंने मेरा गाना गाया सैमसंग पानी अच्छा, तो मुझे बड़ा शायद वो जाते जाते मुझे ये बात कह गई कि ठीक है बेटा जो भी उम्र में आए वो। तो महसूस उनकी कमी महसूस होती है क्योंकि मैं उनके आगे अपने आप को प्रूव करने के लिए और जोश से काम सरवाइव कर रहे थे। तो जब इतना बड़ा चांस मिला तो वो नहीं, जिसको दिखाना चाहते थे वो देख नहीं पाए। हाँ, और जिंदगी में मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी बड़ी कुत्ती चीज है। जिंदगी जब आप कुछ देखिए तो आपको कुछ ले भी लेते, कुछ ले भी लेते हैं, बहुत परेशान करती है। कभी भी आपको आपको खाली में सजा के कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देती, पहले या बाद में आपसे कुछ ना कुछ ऐसा छीनेगी कि आपको लगेगा कि ये क्या है। सो आई मिस माई फादर एट दिस स्टेज। और उसके बाद अनुभव के जहाँ तक कि जब आप कोई भी संघर्ष छोटा मोटा से बड़ा संघर्ष करके एक छोटा सा मकाम प्राप्त करते हैं,
छोटा सा ही मकाम है हमारे लिए। तो उस संघर्ष का जो जो वक्फा है, जो टाइम है, वो आपको उस मकाम की एंजॉयमेंट जो है उसको कम कर देता है। आपको पहाड़ 7 पहाड़ियां पार करके 8वीं पे झंडा गाड़ना है। हाँ जी। तो 7 पहाड़ियां जब आपने पार की तो स्ट्रगल इतना हो गया कि वो झंडा गाड़ने के बाद उसकी जो लंबी थकान है वो आपको एंजॉय नहीं करनी थी, क्योंकि आपको उतरना भी। संघर्ष जो है वो थकाता है, और हमें लगता है कि जब हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसको स्टडी रखने के लिए और टेंशन बढ़ती है। हाँ जी। हमें एक सफलता मिली, रिटेन करना होता है तो सफलता आप उसको मेंटेन और उससे कुछ अच्छा उसे बराबर मिलता है। तो अपने आप अपने कंधों पे और ज्यादा बोझ महसूस कर रहे हो फ्यूचर के लिए भी, और बहुत सी इनसिक्योरिटीज अब आ गई है। हाँ जी। जब आप धरती पर पड़े हो तो आपके गिरने का कोई चांस नहीं है, लेकिन अगर आप उड़ रहे हो तो कुछ गिरने का चांस है, गिरने चांस होता है, संभलना होता है। तो आई फील माई सेल्फ एट क्लाउड 9 राइट दिस टाइम, बट टेंशन तो बहुत ज्यादा है, वर्क प्रेशर बढ़ गया, परफॉर्मेंस प्रेशर बहुत बढ़ गया। चलिए टेंशन को हल्का करते हैं, आपका जो गाना है माता का ईमेल वो सुनना चाहेंगे, और मैं इस बार आपके साथ में बजाऊंगा और आप गाएंगे। अरे मजा है जी। आज एक्चुअली राजी जमाना इतना बदल गया है कि फेसबुक पे 3-3, 4-4 हज़ार फ्रेंड्स हैं और अपने सगे भाई से बातचीत बंद है। हम जमाने के उस गिरावट के दौर से गुजर रहे हैं जब कुत्तों के लिए इंटरनेशनल बिस्किट्स खिलाए जाते हैं और माँ बाप को रोटी तक नहीं दी जाती, पड़ोस में कोई दिक्कत होती है हमें नींद आ जाती है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो उस गिरावट के दौर में एक परमात्मा ही एक ऐसा हमारे लिए रास्ता बचता है, सहारा बचता है, जब हम उसको सब कुछ सुना सकते हैं। कल रात माता का मुझे ईमेल आया है, कल रात माता का मुझे ईमेल आया है, माता ने मुझको फेसबुक पे बुलाया है, कल रात माता का मुझे ईमेल आया है, कल रात माता का मुझे ईमेल आया है, चैटिंग सेटिंग करेंगे, फोटो शेयर करेंगे, चैटिंग सेटिंग करेंगे, माता से फोटो शेयर करेंगे, प्रोफाइल पिक्चर में माता ने शेयर लगाया है, रात माता का मुझे ईमेल आया है, www mata.com माता की वेबसाइट है, www दुष्टों से बचने को एंटीवायरस लगाया है, रात माता का मुझे ईमेल आया है, कल रात माता का मुझे ईमेल आया है, सारे बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता, और सारे बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी। क्या बात है जी, बहुत बहुत मजा आ गया, मैं तो आपके साथ बजाने में इतना मशगूल हो गया और मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि बंद हो, लेकिन क्या करें, बातें तो और भी करनी है, गपशप और करनी है। बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, तो इसलिए फकीर होता है। हाँ जी हाँ जी, आर्टिस्ट असल में फकीर होता है, यहाँ पे आनंद मिलता है, वहीं पे वो रम जाता है। मैं शेर भी मुझे याद आता कि हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, फिर खुदा जाने कहा हमको हवा ले जाए, और रात भर दिल के कवाड़ों को खुला रखता हूँ, जाने का बाकी वो मुझको ही बुला ले जाए, पर हमको कुछ देने के काबिल ही कहाँ है, लेकिन हाँ अगर कोई चाहे तो जीने की अदा नहीं है। क्या कलाकार के पास जीने की अदा होती है, जीने की अदा होती है। अच्छा, म्यूजिक में आने की आपकी इंस्पिरेशन प्रेरणा कौन रहा है? राजपाल साहब को मैंने बचपन से ही सुना है। मैं पापा जब मेरे टोहाना में अपॉइंटेड थे तो टोहाना पंजाब की सीमा में था, भाखड़ा का उद्भव है। सो गुरदासदास साहब की फिल्म रिलीज हुई छोरा जान हरियाणवी में, वो हमने देखी, उसके बाद मान साहब के तो गाने देखा, गरे भी गए, फुलकारियाँ भी गई हैं, बहुत हिट गाने उनके उस समय में, दिल दा मामला है, तो मामला गड़बड़ है, बहुत हिट गाने उस टाइम चलते, और मैं उन्हें देखा, मैं तब से ही मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। उसके बाद उनसे मुलाकात हुई और जब मैंने बताया तो बड़े खुश हुए वो और आशीर्वाद दिया। तो गुरदासदास साहब हमारे गुरु। अभी तक आपने ज़्यादा काम किया है वो हरियाणवी भाषा में किया है, आपकी जन्मभूमि हरियाणा है जी, आपकी कर्मभूमि भी हरियाणा रही है जी।
ऐसे में अचानक हिंदी में आके आपने गाना गाया है जी, तो आप अपने आप को कितनी सहजता से इसमें एडजस्ट कर पाए? मैं मुझे लगता है कि भाषा अपने मन के विचारों की अभिव्यक्ति का एक मात्र माध्यम है। तो बहुत सारी बॉलीवुड की आप देखोगे हीरोइंस जाके और साउथ में काम करते हैं, हाँ जी, जिंदगी भर मलयालम या तमिल सीखना उनके लिए संभव पॉसिबल नहीं होता, लेकिन वो करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भाषा को बहुत निकृष्ट माध्यम है, आंखों के इशारे और आते भी ना, अगर हम बंद करके भी कई बार हम महसूस कर सकते हैं अपने ओरा से कि आगे वाला हमारे बारे में क्या महसूस करता है या हम क्या चाहते हैं वो क्या चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि भाषा कभी अक्सर नहीं था, और हरियाणवी जो है वो हिंदी के बहुत समकाल, इवन हरियाणवी जो भाषा है ये लोग, हाँ हिंदी हरियाणवी और पंजाबी संस्कृत, हाँ जी, संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज, ऑल लैंग्वेज। सो संस्कृत से हिंदी भी निकल के आई है, हिंदी से पंजाबी हरियाणवी बाद में गुरुमुखी हो गई, इवन साउथ की लैंग्वेजेस भी संस्कृत से निकली हुई हैं। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हिंदी और हरियाणवी में कॉमन, तो बस डायलेक्ट चेंज है, बाकी तो समझ में आता है, हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा। अच्छा मुझे कुछ सूत्रों से मालूम पड़ा है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपने हनी सिंह के साथ काम किया है, मैं तो ये कहूँगा कि हनी सिंह ने आपके साथ काम किया है, तो उस बारे में कुछ बताइए। हनी सिंह बहुत बड़ी चीज है, इसलिए नहीं कि उनके साथ कोई अपॉर्चुनिटी जरूरी है, इसलिए कि वो बंदा बहुत खेलती है, बहुत डाउन टू अर्थ है, उसकी अपनी उसका अपना एक ना स्टाइल है। घुंगरू को लेके पंजाब में दोबारा वो व्यक्ति है, लंदन से साउंड इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करके उस व्यक्ति इतनी मेहनत, और चाहे वो डॉप टॉप जैसे बीट सॉन्ग या फिर तेरी फोटो क्यों अगर तू लगी होता ये ऐसे गीत रहे हैं, या फिर पॉप रहा, पॉप भी बहुत प्योर है, पंजाब में हनी सिंह ने प्योर पॉप को भी बहुत सपोर्ट किया, उनके ऐसे गाने हैं। सो एक्सपेरिमेंटल बनता है, और एक एल्बम आई प्लस टू, उसमें मिस पूजा गुरलेज अख्तर और मैं, हम तीनों ने काम किया, दो गाने उनमें हनी सिंह की कंपोज किए। अच्छा जी, मैंने गाया हरियाणवी में, उन्होंने कंपोज किया और म्यूजिक दिया, वो उनका लगभग पंजाबी और थोड़ा माटी की सुगंध लिए हुए म्यूजिक, तो अच्छा लगा, बहुत कमाल का बंदा है। गजेंद्र जी, हमने अभी आपके साथ में कितनी सारी बातें करी, गाना बजाना भी किया, चलिए अभी एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं जी। और उस ब्रेक के बाद दोबारा हम लोग मिलते हैं, जी, जी, जी। तब तक आप लोग भी चाय पी के आ सकते हैं। चारे हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा चारे हमारा।
म्यूजिक मस्ती विद राज महाजन। गजेंद्र जी, आज जो समय है वो परिवर्तन का समय है जी। म्यूजिक में बहुत परिवर्तन आ रहा है। मैंने सुना है कि आपने फोक म्यूजिक के लिए बहुत काम किया है यहाँ हरियाणा के अंदर, फिर आप पॉप लेके आए थे। फोक बेसिकली जब हम किसी भी, देखिए चाहे वो कला है, चाहे वो खेल है, चाहे वो साहित्य है, उसमें जो भी व्यक्ति शुरुआत उसके आसपास के वातावरण का उसे बहुत पता है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, ये दो ही आदमी की मानसिकता को बनाते हैं। अब फोक चारों तरफ बिखरा हुआ था हरियाणा में, सो मैंने जो मंचों पे गाना शुरू किया और जो मैंने शुरू में जो टेपे की, पंजाब में बोलते हैं टेपे, पंजाब में टेप ही बोलते हैं, हम कैसे बोलते हैं, जो जो कैसे मिलेगी वो फोक सॉन्ग्स की, उसमें हमारे वहाँ के फोक राइटर थे पंडित लक्ष्मीचंद जी, मांगेराम जी, धनपत सिंह, महेश सिंह, मैंने उनकी सबकी रागनियाँ गई। अच्छा जी, क्योंकि फोक के नाम पे वहाँ पे हरियाणा में रागनियाँ थे, उसके बाद फिर अपना लिखना। एक रागनियाँ बाकी सुनाएंगे? हाँ क्यों नहीं, सावन का महीना चल रहा है तो एक रागनी है जिसमें मांगेराम जी ने लिखे, जिसमें शिवजी पार्वती का संवाद होता है। अच्छा जी, तो शिवजी कहते हैं कि पार्वती तुम मुझसे शादी करके क्या मिल, मैं फकर फकीर बिल्कुल ओघड़ की तरह रहता हूँ। सो उसमें वो पार्वती को बोल रहे हैं कि तू राजा की राज दुलारी, मैं सिर्फ लंगोटे आला भांग रगड़ के पिया करू, मैं कुंडी सोटे आला सू, तू राजा की राज दुलारी, मैं सिर्फ लंगोटे आला सू, भांग रगड़ के पिया करू, मैं अरे कुंडी सोटे आला सू, थारे सो सो दासी टैल करे मारे, एक भी दासी दास नहीं, शाल दुशाले तन ओढ़न ने चाहिए, मेरे कंबल तक भी पास नहीं, किसके सहारे जी लावेगी, आड़े शतरंज चौपड़ ताश नहीं, तू बागा की कोयल से यड़े, बर्फ पड़े हरी घास नहीं, एक करमंडल मेरा एक कटोरा, एक करमंडल एक कटोरा, मैं तो फूटे लोटे आला सू, भांग रगड़ के पिया करूं मैं, अरे गुंडी सोटे आला सू। क्या बात है, बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल जो रागनी का फ्लेवर दिया है उससे हमारे शो को चार चांद लग गए हैं और माहौल बहुत रूहानी, बहुत ही फोक माहौल बन गया है इस समय। फोक में बहुत दम है, चाहे वो किसी भी प्रदेश। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि वो उस कल्चर की पहचान होती है। बिल्कुल, माँ बोली होती है उसमें, उसमें हमारी माँ का कोई ना कोई, देखिए माँ शब्द जो है वो मुझे लगता है पूरी दुनिया में, भारत में ही सबसे ज्यादा प्रचलित और सबसे ज्यादा सर्वमान्य है। अभी ऑस्ट्रेलिया माता, पाकिस्तान माता कोई नहीं बोलता, भारत माता सब बोलते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका ये कार तो दे सकता है, संस्कार नहीं दे सकता, संस्कार हमारा भारत ही बना। तो इसमें माँ बोली का टच है, जहाँ माँ, माँ का कोई भी कण, माँ का कोई भी एहसास किसी, चाहे वो गायन में है, चाहे वो साहित्य में, चाहे वो खेल कहीं भी है, वो फिर अद्वितीय होती है। अच्छा ठीक है, म्यूजिक का जो रूप बदल रहा है, ओके, अब मिक्सिंग होनी शुरू हो गई है, रिमिक्सिंग हो रही है, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने भी जैसे पॉप को लेके एक्सपेरिमेंट किया आज के अंदर, और अब तो आ गई है कि अगला जॉनर है वो हिप हॉप मिक्स कर रहे हैं उसके अंदर, तो इस परिवर्तन को, इस मिक्सिंग को, रीमिक्सिंग को आप किस नजरिए से देखते हैं और कहाँ तक सहमत हैं? राजीव, परिवर्तन वैसे तो प्रकृति का नियम, लेकिन संस्कृति और साहित्य में जब परिवर्तन आता है तो थोड़ा सा कष्ट हो, क्योंकि संस्कृति और साहित्य वो हमारी धरोहर है, वो हमारे संस्कारों से निकली। बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैंने सुना है कि आप, मैंने सुना क्या है, मतलब आप एक्टिंग करते हैं तो करते ही हैं, और आपने काफ़ी सारे अपने एल्बम्स में एक्टिंग भी की है। हाँ दरअसल मैं, मेरी शुरुआत जो थी सिंगिंग की वो थिएटर से ही थी, थिएटर में प्लेबैक करना, उसके बाद थिएटर में ही कैरेक्टर करना, और 15 साल थिएटर किया है। एक सीरियल था शिवरंजनी जो दिल्ली दुर्ज में आता, उसमें मैं एज ए हीरो था, आज से 8 साल पहले की बात है। तो एक्टिंग हमने जो सीखी वो थिएटर से सीखी,
तो आपकी एक्टिंग का कुछ नमूना देखने को मिल जाए तो बड़ा मजा सा आ जाएगा। मैं मुझे लगता है कि मैं एक घंटे से आपके सामने एक्टिंग ही तो कर रहा हूँ। नहीं, किसी करेक्टर को अगर आप मतलब दर्शकों को दिखा सकें, कोई दर्शक जो आपका कुछ प्रिय करेक्टर रहा हो। अभी मेरी एक फिल्म आ रही है जुगाड़ी डॉक्टर। अच्छा, पंजाबी फिल्म है, 25 सितंबर को रिलीज होने वाली, 25 सितंबर 2015। तो उसमें क्या होता है कि हमें धोखा दे के कुछ लोग भाग जाते हैं, तो तब मैं गुस्से में बोलता हूँ कि बात छोड़े आड़ा हरियाणा तो फद्दू कट्टा नहीं आया, हरियाणे का जाट बजा बजा पीटूंगा, तो इस तरह गुस्से का उसमें क्या बात है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आप मिले एक सिंगर से और एक एक्टर से, आप अपने इस एक्टर से और सिंगर से मिलेंगे अगले राउंड में, जैसे कहते हैं हम रैपिड फायर। तब तक हम लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। में मैं तन्हा हूँ यहीं, तेरी गोद में मैं खेला था यहीं, मुझे तेरा वो आंचल अब याद आता है, अब तेरी डांट और तेरा प्यार सताता है। आजा कहीं से तू, ओ मेरी माँ तू आ, मुझको नहीं है तेरा पता, चल में तेरे तू मुझको छुपा ले माँ, तेरे बिना जग सुना सिर पे हाथ रख कर मुझे लोरी सुनाना, वो अपने हाथों से मुझको खाना खिलाना, नहीं भूलता मुझसे मैं जब भी रूठ जाऊं, मुझे पुचकार करके तेरा मनाना। जा कहीं से तू, ओ मेरी माँ तू आ, मुझको नहीं है तेरा पता, चल में तेरे तू मुझको छुपा ले माँ, तेरे बिना जग सुना मेरा, वो सुबह सुबह तेरा मुझको तैयार करना माँ, याद आता है जब मैं बीमार पड़ जाऊँ तेरा रातों को जगना माँ, याद आता मुझको सता। आंचल में अपने तू मुझको छुपा ले माँ, तेरे बिना जग सुना मेरा।
म्यूजिक मस्ती विद राज महाजन। तो गजेंद्र जी, जी अब हम खेलेंगे रैपिड फायर। जी सवाल भी रैपिड होंगे और जवाब भी रैपिड होने चाहिए, आपको सोचना नहीं है। बिल्कुल, जो आवाज़ आई। माता का ईमेल गाने के बाद से आपकी फैन फॉलोइंग काफी बढ़ती जा रही है। जी आप किसके फैन हैं? मैं गुरदास मान साहब का, आमिर खान साहब का। अगर आपको किसी हीरोइन के साथ डेट पर जाने का मौका मिलेगा तो किसके साथ में जाना चाहेंगे? विद्या बालन और दीपिका पादुकोण। आपके अनुसार संगीत को अगर एक लाइन में परिभाषित करना हो तो वो क्या हो? परमात्मा का दूसरा स्वरूप। ऐसा कोई वरदान या ऐसी कोई विश जो आप भगवान से मांगना चाहते हो? कोई भी गरीब ना रहे। ऐसी कोई जगह जिस जगह आप जाकर समय बिताना चाहें? न्यूयॉर्क। लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या बेहतर है? लव मैरिज। ऐसा कोई काम जो आप स्टार बनने के बाद भी करना चाहते हैं? गरीबों की सेवा। अपने अलावा और किसे बेहतर सिंगर मानते हैं? सभी। आपकी नजरों में बॉलीवुड में एक्टिंग का पावर हाउस कौन है? आमिर खान। और अभी जो बजरंगी भाईजान में आपने एक पत्रकार कैरेक्टर देखा, क्या बात है, सिद्दीकी साहब, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। क्या ज्यादा पसंद है, एक्टिंग, सिंगिंग या लाइव परफॉर्मेंस? लाइव परफॉर्मेंस इसलिए सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि उसमें प्रूफ होती है। अगर आप सिंगर ना होते तो क्या होते? एक्टर होता। आपकी नजरों में सबसे कीमती रिश्ता कौन सा है? मुझे लगता है हर रिश्ता कीमती। घर का खाना और बाहर का खाना दोनों में से कौन सा बेहतर लगता है? घर के खाने का कोई मुकाबला नहीं। अच्छा, खाने में क्या पसंद है आपको? मीठा पसंद है मुझे, मिठाइयाँ पसंद है मुझे। और क्या ना पसंद है? बहुत ज्यादा खट्टी चीजें मुझे पसंद नहीं है, बहुत ज्यादा ठंडी चीजें मैं बिल्कुल नहीं खा पाता। आपके लिए बॉलीवुड, जिसे हम माया नगरी बोलते हैं, जी क्या है? बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहाँ पे जाके आपके सभी सपने पूरे होते हैं। अच्छा, एक दिन के लिए आपको हरियाणा का CM बना दिया जाए, जी तो क्या करना चाहोगे आप? जितने भी बेरोजगार लोग हैं कुछ ऐसा करेंगे कि उनको रोजगार मिले। दोस्तों, आज हमने काफी सारी बातें करी गजेंद्र फोगाट से, जिन्होंने अभी हाल ही में माता का ईमेल नामक गाने से बहुत प्रसिद्धि पाई है। हमने जाना इनकी जिंदगी के बहुत सारे पहलुओं के बारे में, इनके शौक के बारे में, इनके कैरियर के बारे में, और उन्होंने बहुत कुछ बताया कि ये क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं और उन्होंने क्या क्या किया। लेकिन क्या करें, अब समय बहुत हो चुका है, आगे बढ़ने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। चलिए आप इजाजत लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले रविवार इसी समय इसी दिन ओनली ऑन द शो म्यूजिक मस्ती विद राज महाजन। जाते जाते आप अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो आप प्लीज। मैं खासकर अपने युवा दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि यंग एरिया का नारा हो चला है भारत में, इस समय बहुत प्रतिशत युवाओं की है और युवा इस समय थोड़ा सा दिशाहीन है। अगर आप अपने भरोसा रखेंगे, अपने एम और ऑब्जेक्टिव को फिक्स करेंगे और नशे से दूर रहेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा भारत और जल्दी प्रगति करेगा, पूरे विश्व में अपना नाम करेगा। कुछ पंक्तियां हैं कि सबकी बात ना माना कर, खुद को भी पहचाना कर, बारिश में औरों पर भी अपनी छतरी ताना कर, या तो मुझसे आकर मिल या मुझको दीवाना कर, बाहर दिल की बात ना ला इसको भी तहखाना कर। आप सभी अपनी जिंदगी को बहुत ही अच्छे से चला सकते हैं अगर आपके अंदर आपका आत्मविश्वास हो, अपने संस्कार हो। आप सभी बहुत बड़े भले फूले आपका, मैं परमपिता परमात्मा से यही दुआ करूँगा कि आप सभी विकास करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।